नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। हमारे तमाम दर्शकों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन जब हम पलट कर देखते हैं तो 2019 को किस नजरिए से देखेंगे? क्या हम देखेंगे 2019 नरेंद्र मोदी की भयानक जीत, 300 से ज्यादा सीटें लेकर आए और देश में लगभग 30 साल बाद ऐसा लगा जैसे इंदिरा गांधी के बाद कोई बहुत बड़ा नेता इस देश के अंदर, उसकी कमान उनके हाथों में है। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से देश, कुछ लोगों का कहना है कि वो हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर बढ़ रहा है। और जब साल खत्म होने को हुआ तो आपने सड़कों के ऊपर लोगों को बड़ी संख्या में आंदोलन करते हुए भी देखा। चंडीगढ़ से लेकर तिरुवनंतपुरम तक ये मेला देखने को मिला। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उपद्रवी लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, और यह भी आरोप लगा कि इस दौरान संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह भी लोगों ने देखा कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी है, और यह भी लोगों ने देखा कि विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी से कम 5 प्रदेश जरूर छीने हैं पिछले एक साल के अंदर। तो कैसा रहा 2019, इसको किस नजरिए से देखेंगे, मोदी की जीत या संविधान की हार, इस पर ही करेंगे आज चर्चा। और हमारे साथ दो बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही तेज तर्रार पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, जो जिनको आप अक्सर टीवी में देखा करते हैं, साथ ही साथ विजय त्रिवेदी जी, जो टीवी के बड़े पुराने पत्रकार हैं, और उनकी एक छवि मुझे हमेशा याद आती है, जब ये खेत में खड़े होकर इन्होंने पीटीसी की थी, वो कभी और किस्सा बताऊंगा। इन्होंने दो बड़ी महत्वपूर्ण किताबें पिछले दिनों लिखी है, तो बीजेपी के ऊपर किताब लिखी है और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी, और दोनों ही किताब बेस्ट सेलर्स है, तो बीजेपी इनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता है। तो सबसे पहले उर्मिलेश जी, 2019 नरेंद्र मोदी की भयानक जीत, जो शायद उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी, क्या आपको लगता है कि देश में पूरी तरीके से कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया है और बीजेपी सिस्टम आ गया है? आपने शीर्षक जो दिया और सवाल के बीच में जो शब्द यूज किया, भयानक जीत, भयानक ही जीत है, इसलिए कि इस जीत की जो भयावहता है वो संविधान झेलने के लिए अभिशप्त था, और अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो वाकई अभिशप्त हो चुका है। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी की यात्रा है, देखिए सन 2014 में जब आ रहे थे तब भी बहुत सारे लोगों ने इनके गुरु, राजनीतिक गुरु माने जाने वाले जो मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने भी इनके बारे में टिप्पणियां जो की थीं, मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी कुछ सही साबित हो रहा है। हालांकि जो इनका जो भी इनकी बैकग्राउंड है उसके निर्माण में, इनके मानस के निर्माण में आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम आडवाणी जी को मुक्त नहीं करेंगे उस दोष से जो आज संविधान अभिशप्त नजर आ रहा है। विजय जी, क्या उर्मिलेश जी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं? क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर अगर जनता 303 सीटें देती है तो हम क्यों उसको भयावहता के शब्दों से उसका मापदंड कहा? आपने भयानक कहा तो मैंने उसको भयावह कहा। उर्मिलेश जी को मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं मानता। हाँ। बुद्धिजीवी हैं और बहुत गहराई से राजनीति को समझते हैं। वैसे आजकल बुद्धिजीवियों की हालत बड़ी खराब है। या तो देशद्रोही माने जाते हैं या फिर अर्बन नक्सल। लेकिन 303 की जीत को भयावह जीत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों ने वोट दिया और ये उस पार्टी को दिया जिसने 1951-52 के चुनाव में 3 सीटें जीती थी। तो 3 से 303 तक का सफर, हालांकि उसमें 60 साल, 65 साल, 70 साल लगे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में मिल गया। और उससे पहले 2014 के चुनावों में भी उन्होंने बड़ी जीत हासिल की, तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि भयानक जीत है, भयावह जीत है, या उसे, क्योंकि मैं वोटर के लिए अवमानना मानता हूँ उसे। वोटर ने उसे वोट दिया, उसमें भी जो सीट्स हैं उसमें 75% सीट ऐसी हैं जिन पर कैंडिडेट्स 1,00,000 वोटों से ज्यादा से जीते, 15 सीटें ऐसी रही जिन पर 5,00,000 वोटों से ज्यादा के जीत का अंतर रहा। तो ये आसान काम नहीं रहा। और आप देखिए, कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला यदि 2019 का देखें तो 190 सीटें थी, 190 सीट्स, जिसमें कांग्रेस बीजेपी आमने सामने थे, मतलब दो तरफा मुकाबला था, उसमें से 175 सीट बीजेपी ने जीती है।
190 में से 175 सीटें बीजेपी ने जीती है। और पिछली बार जितनी सीटें लड़ी थी 438 करीब उसमें से 224 सीटें इस बार उन्होंने जीती है, जो पिछली बार 136 थी। तो ये जीत उस तरह की भयावह जीत। बट बीजेपी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चुनाव के ठीक पहले अगर बालाकोट नहीं हुआ होता, पुलवामा नहीं हुआ था, और बीजेपी के तमाम लोग उस वक्त ये कह रहे थे कि हमारी बहुत मुश्किल से 250-260 सीटें आएंगी, तो उसका रोल है राष्ट्रवाद का, जो पूरा एक तड़का लगाया गया, क्या उसका इस जीत में बहुत बड़ा रोल था, या मोदी जी के अपने करिश्मे का रोल था? आपकी बात कुछ हद तक सही है, राष्ट्रवाद का रोल रहा होगा, लेकिन कुछ लोग तो ये भी समझ रहे थे उस समय कि जब हमला हुआ, 40 लोग शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवान, तो लोगों को लगा कि ये तो बड़ा खतरा हो जाएगा, संकट भी हो सकता है, जिसे आज हम राष्ट्रवाद कह रहे हैं और उसके क्रेडिट दे रहे हैं, उसका नुकसान भी हो सकता था। और उसके बाद जब बीजेपी के अंदरूनी बैठक हुई तो उसमें कहा गया कि राष्ट्रवाद तो ठीक है, बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया था, उसमें माना गया कि राष्ट्रवाद से भी ऊपर मोदी का जो फैक्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सीएसडीएस और लोकनीति का जो बाद में इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन सर्वे हुआ, वो भी यही कह रहा है कि 32% वोटर ऐसे थे जो समझते थे कि यदि मोदी कैंडिडेट नहीं होंगे, मोदी का फेस नहीं होगा, तो वो बीजेपी को वोट नहीं दे। लेकिन एक चीज मैं जोड़ दूं कि ये कहना कि बीजेपी को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसका उदाहरण केवल छोटा सा ये दे रहा हूं कि नतीजे आए हैं मई में, उससे पहले, नतीजों से भी पहले 21 मई को बीजेपी ऑफिस में मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह ने, और उसमें अपने मिनिस्टर्स जो थे 2014 वाली सरकार के, उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई अब अगली बार आप इसमें सरकार में नहीं होंगे, नए चेहरे होंगे। तो ये विश्वास तो उस समय उनको था, उनको था। उर्मिलेश जी, 2019 अगर हम जाएं दिसंबर 2018, उत्तर भारत के राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों बीजेपी हारी, उसके बाद 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी जीत, क्या ये महज राष्ट्रवाद के बल पर हो सकती थी? यानी 2019 में हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी यह मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि मोदी जी की अपने करिश्मे की ये जीत थी? देखिए, मोदी जी की जीत या भारतीय जनता पार्टी की जीत, जो भी आप कहिए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जो आपने एक कहा था कि कांग्रेस सिस्टम का खात्मा और बीजेपी सिस्टम का अभ्युदय, ये सब चीज़ें तो हैं अपनी जगह। वाकई कांग्रेस सिस्टम, जिसको रजनी कोठारी ने कहा था, उसकी जगह एक नया आकार ले चुका है, एक नया स्ट्रक्चर लिया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, कार्यपालिका, हर जगह आपको जुडिशरी, हर जगह आपको एक इनहेरेंट चेंज दिखाई दे रहा है इस सिस्टम में। ये वो सिस्टम वाकई नहीं है जो हमने आज़ादी के बाद से लेकर के और लंबे समय तक देखा है। तो सिस्टम में अंदर का बदलाव है, और ये जो बदलाव है जनता के लिए नहीं है, ये रूलिंग एलीट के अंदर का अपना बदलाव है। और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने और संघ और कॉरपोरेट सब, इसीलिए जब कोई कहता है कि क्या ये हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कि ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है। दरअसल ये हिंदू राष्ट्र जैसी चीज नहीं है, इसको अगर आप कहिए तो एक कॉरपोरेट मनुवाद तंत्र है, एक ऐसा राष्ट्रवाद जो मनुवादी कॉरपोरेट राष्ट्रवाद है। इसको आप हिंदू से कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे मुल्क में हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है। जिसको आप हिंदू कहते हैं, दरअसल वो एक खास ढंग के लोग हैं, एक खास ढंग के सोच के लोग हैं, जिनका कि पूरा का पूरा जो विमर्श है वो दलित, आदिवासी और ओबीसी, जो खेतिहर समाज है, जो कामगार समाज है, जो कामगार समाज है, उससे जिसका विमर्श बिल्कुल टकराता है, लेकिन उसको मैनेज करने में बहुत उस्ताद है। और आप एक सेकेंड में आपको कंक्लूड करूंगा, देखिए एनआरसी और सीए का जो अभी विवाद चल रहा है, उसमें बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जिनको वाकई इसमें उतरने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनमें बड़ा एक कॉरपोरेट हाउस देश का है, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण उस परिवार के नुमाइंदे ने कहा कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, जबकि उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा कि उसके क्या इंप्लिकेशंस हैं, कैसे क्या है। उर्मिले जी, जब मोदी जी जीते तो क्या उसके फौरन बाद आपको ये उम्मीद थी कि धारा 370 हट जाएगा, ट्रिपल तलाक जो है उसको कानून बना दिया जाएगा, या नागरिकता कानून आ जाएगा, या राम मंदिर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया, और लोगों ने कहा कि पिछले 6 महीनों के अंदर इस देश में ऐसे इतने बड़े बड़े काम हुए जिससे कि संविधान को अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही, क्या इस आरोप में सच्चाई नजर आती है? देखिए मैं आशुतोष, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, इसको मैं अपने ढंग से देखता हूं। देखिए मेरा ये मानना है कि भारत में जब भी चुनाव होते हैं और किसी एक दल की सरकार के बदले दूसरे दल की सरकार आती है, तो
वो जो जनादेश है उस जनादेश की व्याख्या इस वक्त जिस तरह से हो रही है वो हो ही नहीं सकती है। दरअसल वो जैसे ये मानते हैं कि अगर इनको बहुमत मिला है तो इस देश का जो चाहे वो कर लें, संविधान पलट लें, संसद पलट लें, संसद का स्ट्रक्चर बदल दें। जो मैं आपको रोकूंगा, जब आप ये बात कह रहे हैं, बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने कभी हमेशा धारा 370 को हटाने की बात कही है, हमेशा वो जो है वो बांग्लादेश घुसपैठों को हटाने की बात की, ट्रिपल तलाक के हटाने की बात की। उन्होंने तो अपना एजेंडा जनता के सामने रखा, अगर उनको 303 सीट मिलेगी तो उस दिशा में आगे बढ़ रहे, हमें क्यों आपत्ति हो रही है? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि भारत जैसे मुल्क को आप पता नहीं क्यों डेनमार्क और स्वीडन या स्विट्जरलैंड या इस तरह के देशों की तरह रख रहे हैं, फ्रांस की तरह। देखिए भारत में जो मैनिफेस्टो बनाती हैं पार्टियां, जो संकल्प लेकर आती हैं, अपने पर्चे छापती हैं, वो भारत में विमर्श का हिस्सा चुनाव में बिल्कुल नहीं बनता है, माफ कीजिएगा। आप थ्योरेटिकली अगर कहना चाहें कि हाँ जी उन्होंने तो मैनिफेस्टो रखा था, जनता ने उस पर वोट दिया, मैं इसको बिल्कुल अव्यवहारिक चिंतन मानता हूं। भारत में लोग मैनिफेस्टो पर वोट नहीं देते। किसी को नहीं मालूम था कि नागरिकता के बारे में मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, बीजेपी के संकल्प पत्र में, या 370 से क्या मतलब है। हाँ, राम जन्मभूमि का मैं मानता हूं, क्योंकि वो व्यवहार में था कि बीजेपी आएगी तो मंदिर बनाएगी चाहे जैसे बनवाना हो। लेकिन इन विषयों पर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भारत में लोग वोट देते हैं नेता के आधार पर, कैंपेन में जो मुख्य चीजें उभर के आती हैं घटनाक्रम। मैं जो बात आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि भारत में जनादेश पाने का मतलब कतई ये नहीं है कि संविधान सभा में तय चीजें, जो भारत नाम के राष्ट्र राज्य की पूरी परिकल्पना, उसको आप पलट दें। ये सरकार 2019 में काम हुआ, ये सरकार 2014 में आई तो उसने उसकी बैकग्राउंड बनाई और 2019 में चुनाव जीतने के एन बाद भारत को पलटने की तैयारी शुरू हो गई। जो भारत राष्ट्रीय आंदोलन में निर्मित हुआ था वो किसी एक जनादेश में नहीं हुआ था, नेहरू को मिले जनादेश से नहीं हुआ था, वो राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ। क्या आप इस राय से सहमत हैं? मेरा अपना ये मानना ये है, जो मैंने अभी स्पष्ट भी किया कि भाई उन्होंने तो अपना एजेंडा सबके सामने रखा, वो हिडन एजेंडा था ही नहीं कभी। दो चीजें हैं, या तो पहले क्लियर हो जाए, हम खुद कंफ्यूज हैं, और उल्लेख जी बहुत बुद्धिजीवी नहीं नहीं बिल्कुल सर, लेकिन या तो वो माने कि मोदी की जीत हुई है या फिर माने कि एजेंडे की जीत हुई है, किसी एक चीज की तो जीत हुई होगी। बिल्कुल, यदि मोदी की जीत हुई है तो मोदी ने उन सब फैसलों को किया, उसको आपको मानना पड़ेगा क्योंकि जनता ने उन्हें जनादेश दिया। यदि उनके एजेंडा की जीत हुई है, मोदी की जीत आप नहीं मानना चाहते क्योंकि परेशानी होती है, तो उनके एजेंडा की जीत हुई होगी। एजेंडा में राम मंदिर है, धारा 370 है, तीन तलाक है, ये सारे मुद्दे हैं, बांग्लादेश घुसपैठियों का मामला, ये सारे के सारे इशू है। फिर क्या होता है, जब पिछली बार 2014 में इन्हीं एजेंडा पर आई थी तो हम 5 साल ये कहते रहे अरे आपने तो इन सब मुद्दों पर कोई काम नहीं किया। पहली बात, उन सब मुद्दों पर आज काम कर रहे हैं तो हम इससे परेशान है। दूसरी बात, मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, ये कहते, ये नारा चलाते थे हम लोग, हम सब लोग उसमें शामिल थे तो वो चलाते थे, आज जब उन्होंने कर दिया है। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि संविधान की हार, मैं इससे इसलिए थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ क्योंकि 370 का फैसला हुआ वो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, तीन तलाक का जो फैसला हुआ वो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, बल्कि राम जन्मभूमि का मामला जो सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा जो था कि संसद से पास करके करने, उसको प्रधानमंत्री ने मना किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको लागू किया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया, तो इसे संविधान की हार कैसे मानते हैं? और कोई सरकार जो स्पष्ट बहुमत के साथ आती हो, यदि वो अपने जनादेश को, अपने एजेंडा को लागू नहीं करती है तो उस पर सवाल किया जाना चाहिए या जो लागू कर दिया उसमें सवाल किया। बट क्या आप ये कहेंगे कि पिछले 6 महीनों के अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको तोड़ने का काम किया गया है? भले ही आपने कहा कि पार्लियामेंट के जरिए कानून बने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन उसका जमीन पे जिस तरीके से प्रचार हुआ है, जमीन पे जिस तरीके से बातों को रखा गया है, क्या उसने भारत की जो क्या जो सेकुलर फैब्रिक था उसको कमजोर करने का काम किया? दरका है, दरका, दरका, ये जानबूझकर किया गया है या ये मुझे नहीं पता कि जानबूझकर किया गया, लेकिन उसका नतीजा ये है कि उसका असर सेक्युलर फैब्रिक पर पड़ा है। मुझे लगता है उसी के बाद बहुत सारी चीजें बदली भी हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि एनआरसी को लेकर जो बात की गई और जो मामलों पर बात की गई, वो उनको भी लगा होगा कि जमीनी तौर पर जो नतीजा आना चाहिए था वो नहीं आया है और हिंदू मुस्लिम का जो सेक्युलर फैब्रिक है उसको नुकसान पहुंचा है। दरअसल आप लोग जो है दोनों व्यक्ति, खासकर विजय जी, हमारी बात से असहमत होकर मुझसे सहमत होते नजर आ रहे हैं। कैसे? मैंने जब ये कहा कि जनादेश पाने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप राष्ट्र राज्य के स्ट्रक्चर को बदल दीजिए, उसके मूल्यों को बदल दीजिए, उसकी पूरी संस्कृति को बदल दीजिए, उसके पूरे वजूद को बदल दीजिए, आज वही हो रहा है। तो जो फैब्रिक
को आप दरकने की बात आप कर रहे हैं। दरअसल हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में ये जो राष्ट्र है, अगर आप ये मानकर चलते हैं कि हिंदू का है, तो मैं तो हिंदू को कोई मानता नहीं, क्योंकि हिंदू कोई धर्म उस रूप में है ही नहीं है, वो उस रूप में धर्म है ही नहीं है। वैसे भी हिंदू हमारा दिया हुआ शब्द नहीं है, हम तो जानते भी नहीं थे कि हिंदू क्या होता है, हमारे वेदों में कहीं नहीं है, उपनिषदों में कहीं नहीं है, ये तो अगर बाहर से तुर्क ना आते और मुस्लिम जिनको आप कहते हैं वो ना आते तो नहीं। तो अब उसमें एक दलित, एक आदिवासी, वो तो कभी नहीं जानता रहा है। आप झारखंड में चले जाइए, आप वो सरना धर्म मानते हैं, उनको मालूम नहीं कि उनके देवता गणेश जी कभी हैं, नो, उनके तो देवता भगवान उर्मिला जी एक, एक, एक इसी से जुड़ा हुआ, इन्होंने जो बनाया है उसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल ये है कि पिछले दिनों आप जो तमाम संस्थाएं थी उन पर बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए, यहां तक कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। संसद में तो जरूर उनका बहुमत है, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े हुए, तो क्या संस्थाओं ने भी मोदी की जो का जो बाहुबली है उनके बाहुबल के आगे घुटने टेक दिए हैं? देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं सभी संस्थाओं का बहुत सम्मान करता हूं, संस्थानों में बैठे हुए लोगों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे कहने में, एक भारत के नागरिक के रूप में जब तक मेरी नागरिकता सुरक्षित रहती है तब तक सुरक्षित रहेगा, जब तक आप अर्बन नक्सल साबित नहीं हो जाते हैं तब तक मैं ये कहने को बिल्कुल आजाद हूं कि भारत में मौजूदा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपने वजूद को भले ही दिखा रही हूं कि हम जिंदा हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो है ध्वस्त हो चुकी है। उनके अंदर जो सत्ता संरचना पर बैठे लोग हैं उनका इतना भय, अरे निर्वाचन आयोग को देख लीजिए, निर्वाचन आयोग में एक एक निर्वाचन आयुक्त को क्या क्या झेलना पड़ रहा है और क्या क्या वो उन्होंने अपने बयान में बोला है, उन्होंने लेख लिखकर बात कही है। दूसरी बात कि आप एनआरसी को ही देख लीजिए, जिस तरह असम में उसको संचालित किया गया और वो उस अफसर के नेतृत्व में जो प्रभारी थे उनके साथ क्या हुआ, फिर उनको कैसे वहां से तबादला किया गया। सारी संस्थाएं, मैं कहता हूं कि फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टू द जुडिशियरी, हम हर जगह आप इन चीजों को देख रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। विजय जी, क्या ये सिनिसिज्म है? क्या हम एक्सेप्ट, हिंदुस्तान का एक तबका आज भी बीजेपी को, आरएसएस को, मोदी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, यह तर्क दिया जाता है, और इसलिए जब वो अपने एजेंडे को लागू करते हैं तो हम उसको एंटी डेमोक्रेटिक मान लेते हैं, संविधान की हार कह लेते हैं और कहते हैं सारी संस्थाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ नहीं कर सकते जो हमारे मन का है तो बेचैन भी होते हैं, राम मंदिर का ये मसला ले, मैं सिनिसिज्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से रंजन गोगोई साहब, उनको पहले बहुत एंटी मोदी माना जाता था, एंटी बीजेपी माना जाता, रंजन गोगोई को मैं व्यक्तिगत तौर पर छोड़ दूं, जो फैसला किया जो 5 जजेस की जो बेंच है उसने सर्वसम्मति से किया, तो क्या हम ये आरोप लगाना चाहते हैं कि पांचों के पांचों जज जो है वो जुडिशरी की या जो अपना काम का अधिकार था या ताकत थी उसको छोड़ के कहीं झुक गए थे? नहीं, मैं देखिए, उनकी मंशा पर मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, उनके मकसद पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मेरा यह कहना है कि वो जो जजमेंट है न्याय की दृष्टि से बहुत ही खराब जजमेंट है, उस जजमेंट का कोई तर्क नजर नहीं आता उसमें, न तो लॉजिक है न तो फैक्ट है। अब उस पर बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, बिल्कुल डिस्कशन फैसले को भी यदि हम इस तरह से लेंगे तो फिर तो कोई सिस्टम चलेगा ही नहीं, जो नहीं मकसद और मंशा पर शक नहीं। अब चलिए, जो बात आपने कह दी, लेकिन साल के अंत में दिखाई पड़ रहा है कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, एजिटेशन हो रहा है और बहुत सारे युवा इसमें आ रहे, लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी लगभग उसी ऐसा क्यों हो रहा? यही बात मैं कह रहा हूं कि वो जरूर हुआ, जो हमारा नागरिक संशोधन कानून है उसको लेकर लोगों में एक डर पैदा हुआ, एक थोड़ा सा असमंजस पैदा हुआ, और मुझे जो लगता रहा कि सरकार ने उसको ठीक से एड्रेस नहीं किया। यदि उनकी मंशा ठीक है, यदि वो चाहते हैं कि किसी भी देश के, हिंदुस्तान के किसी भी आदमी के लिए कोई नागरिकता का खतरा नहीं है, तो उसे ठीक से कन्विंस करना चाहिए था, जो कन्विंस नहीं हुआ और उस वजह से लोग उतर कर आए, और लोगों का उतरने को मैं राइट मानता हूं उनका, डेमोक्रेटिक राइट है, उस पर करना चाहिए था, उस पर कुछ राज्य सरकारों ने, कुछ पुलिस ने जो किया उससे बीजेपी बीजेपी सरकारें ये कह रही है कि ये जो मुस्लिम तबके को भड़काया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है और ये दरअसल हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम तबका जो है सड़कों पर उतरा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा देखिए, हिंदू पूरा है, जितने मुसलमान होंगे उससे ज्यादा हिंदू भी उतरे हुए हैं, वो लोगों को कन्विंस, ये देखिए आप हिंदू और मुसलमान को मत बांटिए,
आंदोलन में भी जो लोग बैठे हैं वो हिंदू मुसलमान नहीं बैठे। ये सवाल आपका मोदी जी से ना, मुझसे तो नहीं ना। मतलब मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान का मतलब ही आंदोलनकारी लोग हैं उसमें सब लोग। बट आज की तारीख में वो बंटवारा है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर वो बंटवारा है ना और मजबूत हुआ। कल मुझे एक बड़े बड़े पुराने हिस्सों में, देश के कम हिस्सों में ऐसा बंटवारा हुआ, ये सुखद बात है। देखिए मैं बिल्कुल मैं विजय की यही इस बात से सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाकों को छोड़ दिया जाए, जो इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट लिखी कि वहां पर ऐसा विभाजन हो गया है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अगर ढेर सारे हिस्सों को उस पत्रकार ने घुमा होता तो ऐसा कतई नहीं लिखता। उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कुछ एक जिलों में जहां मुजफ्फरनगर से लेकर के तमाम जगहों पर हमने बैकग्राउंड देखी है पहले की, वहां पर जहां आरएसएस बहुत मजबूत है, दरअसल उन्हीं इलाकों में ऐसा हुआ है और कहीं नहीं। पूरे देश को उठा लीजिए, असम से लेकर कन्याकुमारी तक, कहीं नहीं, यहां तक कि गुजरात में नहीं हुआ है। गुजरात में जो पहला दिन जो प्रोटेस्ट का था उसमें हिंदू समाज के लोग, जिनको आप हिंदू कहते हैं, दलित, ओबीसी, तमाम तरह के लोग उतर के आए मैदान में। मैं जानता हूं कि ऐसे इलाकों में आए जहां आरएसएस का बहुत दबदबा है गुजरात में, वहां पर ट्राइबल लोग आए, ऐसा नहीं है। अब मैं आपसे विजय जी सवाल ही पूछता हूं कि तो फिर 303 सीट लाने के बाद राज्यों के अंदर बीजेपी क्यों लड़खड़ा गई? हरियाणा के अंदर कहा कि हम 75 प्लस सीटें लेकर आएंगे, 40 पे अटक गए। महाराष्ट्र के अंदर तो 220-240 सीट लाने की बात करें तो वहां पे अटक गए, वो शिवसेना भी अटक गई, सरकार भी उनकी। झारखंड में तो पूरी तरीके से हार गए, ऐसा क्यों हुआ? दो चीजें हैं उसमें, एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा सभी जगह क्योंकि सरकार रहती थी। दूसरी बात जिसका मैं खुद समझता हूँ, हो सकता है सरकार या उर्मिला जी से असहमत हो, कि जो लीडरशिप का फैसला 2014 में किया गया था कि वहां जो डोमिनेंस कास्ट है, महाराष्ट्र में मराठा है उनकी जगह गैर मराठा को रखना, हरियाणा में जाट है उसकी जगह गैर जाट को रखना, झारखंड में आदिवासी है उसकी जगह गैर आदिवासी को रखना, उसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ा है। क्योंकि उससे लगा कि जो सोसाइटी थी, जो हमारा एक बड़ा समाज था, उसको लगा कि ये नेतृत्व, ये लीडरशिप उनकी नहीं है, इसका नुकसान उठाना पड़ा। और तीनों ही लीडर्स के लिए मैं कहूंगा कि एरोगेंस एक बड़ा कारण रहा, इन एंटी इनकम्बेंसी से भी ज्यादा, क्योंकि तीनों जगह पार्टी ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी का जादू चुकने लगा है। नहीं, मोदी जी का जादू चुकने नहीं लगा है, क्योंकि आप सोचिए हरियाणा झारखंड यदि वोट के हिसाब से देखेंगे तो मोदी जी का जादू कम हुआ होगा, लेकिन राज्यों के जो इश्यूज है वो डोमिनेट किया है। लेकिन झारखंड गलती की बीजेपी ने कि वो वहां पर भी सेंट्रल के जो मुद्दे थे उनको उठा रही थी। लेकिन झारखंड के बारे में मैं आपको बताऊं, झारखंड में रघुवर दास को शुरू के पहले चरण तक तो बीजेपी ने एक चेहरा दिखाया कि भाई ये आपके नेता हैं, इनकी रैली हो रही है वगैरह वगैरह, इसके बाद उनको बिल्कुल बैक पे रख दिया गया और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कैंपेन करने लगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो मोदी जी 303 सीट लेकर आते हैं वो उसके बाद के राज्यसभा के प्रदेशों के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी हारती भी दिखाई पड़ती है। मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं जवाब के आपके आपके सवाल के जवाब में मेरा सवाल है कि अपने आप में भारतीय चुनाव पद्धति का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि तमाम राज्यों में चुनाव हारती है बीजेपी बहुत बुरी तरह, कई राज्यों में उतनी बुरी तरह नहीं जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, लेकिन उसी दरमियान छत्तीसगढ़ में जिस तरह से वो हारती है भयानक बुरी तरह, तो ये जो चुनावी हार है राज्यों की वो केंद्र में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है? एक महत्वपूर्ण कारण है कि आपकी इच्छा है या आपका आकलन है? मेरी कोई इच्छा की बात नहीं है, मैं इस बात को कभी नहीं छुपाता कि मैं आरएसएस स्पॉन्सर्ड जो राष्ट्रवाद है उसको सिरे से खारिज करता हूं। वो तो मैं मजाक में बात कर रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई चुनाव अपने बल पर जीत रहा है अपनी ताकत से तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग 2014 में क्या बोल रहे थे? आप दोनों आज नरेंद्र मोदी जी अपना आकर्षण राज्यों में क्यों खोए हैं? आप देखिए छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड में उन्होंने जिस एजेंडे को पेश किया था जनता ने सिरे से खारिज किया। हिस्सेदार रहे हैं दिल्ली का इलेक्शन जो पिछली बार हुआ उस समय तो आकर्षण खोने का मौका ही नहीं मिला था। उस समय तो मोदी से बड़ा इस बार है फेस था। इस बार है उस समय 67 सीटें मतलब दिल्ली में लेके तो हुआ ही नहीं। बट विजय जी का मतलब अलग इश्यूज। हाँ विजय जी और उमले जी से दो छोटे छोटे सवाल है, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। प्रियंका गांधी सड़क पर उतर आई उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई भविष्य है कांग्रेस का? कांग्रेस का भविष्य है क्योंकि कांग्रेस का प्रियंका का भविष्य की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ। कांग्रेस का भविष्य बन रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक भी है, कांग्रेस के चाहने वाले लोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। प्रियंका लीड कौन करेगा, प्रियंका या राहुल गांधी? कितना एक्सप्लोर प्रियंका गांधी करेंगे या राहुल गांधी, कौन लीड कर सकता है? मुझे लगता है राहुल गांधी ही करेंगे। कर सकता है कौन?
कर सकता है तो अलग इशू है। देखिए तो मैं समझता हूं कि मैं पहले भी लिख के और बोल के कई बार ये बात कहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में खासकर मोदी राज में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अपने को क्रमशः इररिलेवेंट करती जा रही हैं, दोनों अपने अपने सामाजिक, कांग्रेस रिप्लेस कर सकती है उनको, मैं वहीं आ रहा हूं, दोनों अपने अपने सामाजिक आधार के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं, इसलिए उनका आकर्षण खत्म हो रहा है। और इन दोनों पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या रही है कि वो दलित और बहुजन के बीच में नहीं जाती रही है, और जाती रही है तो नेतृत्व तो नहीं वहां से लाती रही है। अगर प्रियंका गांधी जो काम कर रही हैं, जो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और राहुल गांधी जी, ये दोनों नेता अगर उत्तर प्रदेश में दलित बहुजन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को अपनी पार्टी में बड़े पैमाने पर लाते हैं, उनको पहलकदमी देते हैं, तो निस्संदेह उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की जगह कांग्रेस एक्सेप्टेबल हो सकती है। मेरी गुगली आपको, प्रियंका बेटर लीडर है या राहुल गांधी? देखिए मैं हमेशा, हाँ या ना जवाब दीजिए सर, मैं हाँ और ना, मैं तो इलेक्शन के इलेक्टोरल जो प्रिडिक्शन होते हैं वो भी नहीं करता। मेरा ये कहना है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में कौन अच्छा नेता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजी अपनी बदलकर उत्तर प्रदेश में या हिंदी हार्टलैंड में कैसे उतरती है। मैं समझता हूं राहुल गांधी बहुत सुसंगत व्यक्ति हैं, उनके बारे में मीडिया में जो एक प्रोजेक्शन है, जो उनकी छवि बनाई गई है, वो सच नहीं है। वो बहुत हाल के दिनों में पढ़े लिखे आदमी है, देखना यह है कि कैसे आगे बढ़ते हैं। कौन बेटर है, राहुल या प्रियंका? मुझे लगता है राहुल गांधी को मैं ज्यादा बेहतर लीडर मानता हूँ। चलिए राहुल गांधी को बेहतर लीडर मानते हैं। अब ये तो इतिहास बताएगा कि राहुल गांधी बेहतर लीडर है, प्रियंका गांधी बेहतर लीडर है, या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और आरएसएस कभी इनको मौका आने भी देगी या नहीं देगी, ये भी एक बड़ा सवाल 2019 में छूटता हुआ नजर आ रहा। लेकिन 2019 की सबसे बड़ी कहानी यह है कि जब यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तब एक बड़ी कहानी यह है कि उत्तर की पिछले एक साल के अंदर हिंदुस्तान जो है वो आर्थिक स्तर पर दुनिया की सबसे तेज भागती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, आज वो दुनिया की सबसे तेज भागती अर्थव्यवस्था की सूची में वो नंबर 3 नंबर 4 पर भी नहीं बल्कि बहुत नीचे चला गया है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था अगर बेहतर नहीं होगी तो मोदी का करिश्मा हो या राहुल गांधी, दोनों ही संभाल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपसे बातचीत करने के लिए, आपको भी बातचीत करने के लिए धन्यवाद, और नववर्ष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।